कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ 500 लाइब्रेरीज जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी गिटहब लिंक के अंदर आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट जो लाइब्रेरी हमारे पास वो है एंड्रॉयड आइकन्स। शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जो इस लाइब्रेरी की मदद से हम डिफरेंट कंपनीज़ के आइकन्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, गूगल मटेरियल डिज़ाइन के है, फोनटोसम के, आइकोनियंस के है, सब सभी टाइप के आइकन सिर्फ एक ही लाइब्रेरी को ऐड करके देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इस इम्प्लीमेंटेशन करके आप ये अचीव कर सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड लाइब्रेरी है वो है स्वाइप टू एक्शन। जब आप रिसाइक्लर व्यू यूज़ कर रहे हो तो आप इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डेटा शो कर सकते हैं और यहाँ पे हमें एनिमेशन भी देखने को मिलेगी। सो अपने थर्ड लाइब्रेरी जो है वो है रोटेटिंग टेक्स्ट। सो ये एक अमेजिंग लाइब्रेरी है, मैंने अभी देखी है। सो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट रोटेट होगा। सो इसका 3 एग्जांपल यहाँ पे अवेलेबल है, मैं तो आपको तीनों दिखा देता हूँ। फर्स्ट आपको ये लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो रोटेटिंग टेक्स्ट है वो रैपर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन दिया है आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। जो फर्स्ट कोड है उसका रिजल्ट ये रहा और जो सेकंड कोड है टाइप फेस प्लस इंटरपोलेटर मीन्स टेक्स्ट भी चेंज होगा और इफेक्ट भी। सो उसके लिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल रोटेबल्स, यानी कि आप बहुत सारे रोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं एक ही सेंटेंस में। और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है डिप में आप यहाँ से चेकआउट कर लेना बाद में। और जो थर्ड लाइब्रेरी है वो है सर्कल मेनू लाइब्रेरी, जो आपको पता ही होगा रामोशन से आई है। और इसकी जो डिटेल इम्प्लीमेंटेशन है उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास है टैप टारगेट व्यू। सो ये लाइब्रेरी की मदद से हम हमारी एप्लीकेशन की इंट्रो बना सकते हैं। जब यूज़र पहली बार हमारी एप्लीकेशन में आएगा तो हम उसे नेविगेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, सो जो सिक्स लाइब्रेरी है वो है वूवू व्यू पेजर। सो इस लाइब्रेरी की मदद से हम कुछ इस तरीके से ऑनबोर्डिंग स्क्रीन बना सकते हैं, और इस व्यू पेजर के साथ आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेना जिससे आपको पता लग जाएगा कैसे करना है। और डेमो के लिए आप एक QR कोड स्कैन कर सकते हैं, और बहुत सारी एनिमेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो पहले पोजीशन 3D, ट्रांसलेशन 3D, स्केल टैप, अल्फा एनिमेशन, रोटेशन, एलिवेशन, और टेक्स्ट व्यू के लिए, कलर्स के लिए भी बहुत सारी एनिमेशन यहाँ पे अवेलेबल है। सो आप इन सभी एनिमेशंस को चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये कोडिंग ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स।